मैं आ तो गया यहाँ पर, परंतु नंद का वो मायावी बालक कहाँ है? शकट पर सवार होकर यहाँ तक तो आ गए, पर इतनी शीघ्र मुझ तक नहीं पहुँच पाओगे शकटासुर उत्कच। क्या हुआ स्वामी, कैसा स्वर था? हुआ देवकी, ऐसा लगा जैसे कोई हमारी गुप्तचरी कर रहा है। यदि कंस हम पर इस तरह दृष्टि बनाए हुए हैं, तो न जाने उसने मेरे पुत्र के पीछे किस किस को लगा रखा होगा। देवकी, मुझे पता है स्वामी, आप यही कहेंगे कि कुछ नहीं होगा उसे, क्योंकि भगवान श्री नारायण स्वयं उसकी रक्षा करते हैं। यदि ऐसा ही है तो भी स्वामी, हमारा पुत्र अपने बाल व्यवस्था का आनंद कैसे उठा पाएगा? मैं भी यही सोच रहा था देवकी। मुझे विश्वास है कि गुरुदेव के नामकरण से बहुत सुरक्षा मिलती है। क्यों ना हम दोनों चलकर महर्षि घर के दर्शन करें? परंतु कंस, काका, ये फूल नंदाला के लिए? जी बेटिया। तो लाओ, ये मुझे दे दो, मैं नंदाला के घर जा रही। जहां इच्छा विकट होती है वहां झट से मार्ग मिल जाता है। बड़ी शीघ्रता है शकटासुर। नन्ना जी, देख मुझे क्या मिलो। बाबा जो तेरे लिए मोर पंख लाएंगे ना, उसके साथ जो पोशाक कितनी सुंदर लगेगी, है ना नन्ना? मुझे पता है तुझे भी अच्छी पोशाक चाहिए, है ना? कितना समझाओ मैंने तेरे बाबा को, किंतु तेरे बाबा है कि बड़ा उत्सव करने को तैयार ही ना है। अब जितने भी अतिथि आएंगे, कम से कम उनके सामने तो मेरा लल्ला अच्छा दिखे, उन सब से अच्छा मेरा राजकुमार। अतिथि ऐसा भी है मैया, जो बिना बुलाए ही आने का प्रयास कर रहा है, पर इतनी शीघ्र नहीं आने दूंगा मैं उसे। ये क्या है मेरे लल्ला के हाथ पर? पलक है। अब जो चाहिए उसकी प्रार्थना कर और फूंक मार के उड़ा दे। रुक जा, मैं तेरे लिए प्रार्थना करती हूँ। तेरे बाबा को अपने लल्ला के मुकुट के लिए सुंदर सा मोर पंख मिल जाए। अब अपने मुंह में हवा भर, देख ऐसे, और फूंक मार के उड़ा दे। फूंक मारना लल्ला। कभी तो अपनी मैया की कहीं मान ले, मार दे फूंक। बस इतनी सी बात मैया, अभी लो।
कहाँ चली गई वो कन्या? लगता है कहीं आसपास ही है नंद का घर। भाभी जी कहाँ रखना है? जा उधर रख दे। दो क्या लल्ला के लिए नया मोर पंख और क्या? यशोदा समय ही ना मिलो, बस कुछ वस्तुएं और शेष हैं, वो ले आऊं फिर उसके बाद चला जाऊंगा। सच्ची संध्या हो जाएगी, सूरज ढल जाएगा, तब जाओगे क्या आप? यशोदा बस कुछ काम और हैं, वो कर लेने दो फिर चला जाऊंगा। देख रहे हो ना लल्ला, देख रहे हो तू अपने बाबा को? किंतु मैं भी अपने हट के पक्की हूं, घी जब सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करना जानती है तेरी मैया। बाबा सावधान, मैया की योजना भारी पड़ेगी आप पर। जानकी। हाँ भाभी। सुन लड्डू बांध पोटली में जा। हाँ, मैं भी ओढ़नी और चटाई निकालती हूँ। आपको तो कितने सारे आवश्यक कार्य है ना, मैं ही चली जाती हूँ। और हाँ अपने लल्ला को साथ लेकर जाऊंगी। यशोदा जी तुम क्या कह रही हो? यशोदा तुम लल्ला को लेकर बन जाओगी? और नहीं तो क्या, मेरा लल्ला टूटे मोर पंख का मुकुट ना पहने को जी, मैं तो जाऊंगी। यशोदा नीनमणि अब तू ही संभाल, मैं तो चली। और जो लड्डू चटाई ओढ़नी ये सब क्या है? तो आपको क्या लगता है मैं भूमि पे बैठूंगी वन में, या फिर जब तक मोर पंख ना मिलेगो भूखे रहूंगी? यशोदा नीलमणि को लेकर बन बन भटकोगी। अच्छा जी, तो बस नीलमणि की चिंता है आपको, मेरी ना है। इससे पहले कि फिर से झगड़ा आरंभ हो मुझे ही कुछ करना होगा। दोनों की चिंता, इसीलिए तो जाने से रोक रहा हूं। जाना तो पड़ेगा, चाहे मैं जाऊं या आप जाओ। मैंने कहीं ना प्यासा ही चल के कुएं के पास जाता है, कुआं चल के प्यासे के पास ना आता, कुआं चल के प्यासे के पास ना आता, कुआं चल के प्यासे के पास ना आता। तब तो ऐसा ही होगा मैया। अरे तो तुम ही बताओ कैसे तुम्हें और लल्ला को मैं वन में अकेले जाने दूं? हाँ तो ठीक है, इतनी चिंता है तो चलो हमारे साथ। यशोदा मेरी बात तो। नीलमणि सोता, आज कुआ स्वयं प्यासे के पास चलकर आयो, ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो संसार के सारे मोर हमारे लल्ला के दर्शन के लिए आतुर हो। अवश्य ही कछु बहुत विशेष है हमारे लल्ला में। ये तो जो आप आलस कर रहे थे ना वन जाने के लिए, इसी कारण से नारायण ने सहायता की है हमारी।
और कुछ भी उल्टा सीधा बोल के दृष्टि मत लगाओ। हमारा लल्ला कोई विशेष ना है, ये तो सामान्य सा प्यारा सा लल्ला है मेरा। ये घर है या वन? अभी तक तो गोकुल का एक ही चक्कर काटा है उत्कच, पूरी रात चक्कर लगाते रह जाओगे, पर ना मेरा घर मिलेगा तुम्हें और ना ही मैं। अब तैयारी ना करनी आपको, हाँ तो जाओ अपने सारे कार्य निपटाओ। मुझे मेरे लल्ला के मुकुट के लिए मोरपंख मिल गए। क्यों लल्ला, अच्छे लगे? यहाँ मैया जितनी प्रसन्न है, बाहर वो बिन बुलाए आती थी उतना ही दुखी है। तीन प्रहर व्यर्थ हो गए, न जाने कब मिलेगा नंद का घर। अब अगले चार पहर तक मैं आपके ही दर्शन करूंगा प्रभु। सारी तैयारी हो गई लल्ला, तेरा नया मुकुट भी बन गया। अब मैं चैन से सोऊंगी और तू भी पूरी रात अच्छे से सोना, समझ आई? चल सो जा। क्या हुआ, नींद ना आ रही? सो जा लल्ला, नहीं तो सुबह बहुत थका थका लगेगा तू। क्षमा करना मैया, उस अनचाहे अतिथि को पूरी रात भीतर आने से रोकना है मुझे। ना मैं सर क्यों हिला रहे हूँ? मैया की कही मान और आंखें बंद करके सो जा, तभी तो आएगी निद्रा देवी। प्रभु, मैया की आज्ञा मान लीजिए ना। निद्रा देवी। प्रभु, प्रतिदिन मैं इसी आशा में आती हूँ कि आप मुझे स्वयं में लीन होने देंगे और सच में सो जाएंगे, पर प्रतिदिन मुझे निराश होकर वापस लौटना पड़ता है। प्रभु, आपने तो सबको कुछ ना कुछ दिया है, मुझे स्वयं में लीन होने का सौभाग्य कब देंगे? आज रात ये संभव नहीं है निद्रा देवी, पर मैं वचन देता हूँ कल रात में आपकी इच्छा अवश्य पूर्ण करूँगा। ऐसे क्या देख रहा है रे टुकुर टुकुर, जैसे किसी से बातें कर रहा हो।
सो भी जा लल्ला, कितना सताएगा अपनी मैया को? मुझे पता है मैया, जब तक मैं सोने का स्वांग नहीं करूंगा आप भी नहीं सोएंगी। मेरा प्यारा लल्ला, मैं निंद्रा देवी की दशा समझ सकता हूँ प्रभु। अमावस्या की रात जब मैं आपके दर्शन नहीं कर पाता, मैं भी बिल्कुल ऐसा ही अनुभव करता हूँ प्रभु। अरे चंद्रदेव, अति उत्साह में आप अभी से कोई संकेत मत दे देना शक्टासुर उत्कच को। अभी तो उसे कुछ चक्कर और लगाने हैं गोकुल के। चंद्रदेव, आपका समय पूरा हुआ, अब मेरी बारी है। चंद्रदेव तो प्रभु दर्शन में खोए हुए हैं, मुझे ही कुछ करना होगा। पिछले 7 प्रहर से लगभग 7 चक्कर लगा चुका हूँ गोकुल के। कहाँ है वो बालक और उसका घर? कैसे मिलेगा कोई संकेत? अब इसे संकेत देने का समय आ गया है। देख रहे लल्ला, कितना सुंदर दिन है। हाँ मैया, बहुत अच्छा दिन है आज। अब देख कैसे तेरा काल बनकर तेरे घर में प्रवेश करूंगा, और वो भी बिना बुलाए। बड़ा आनंद आएगा जब नंद भवन की प्रसन्नता दुख में बदल जाएगी, जब हर्ष उल्लास के इन स्वरों के स्थान पर चित्कारें गूंजेंगी। बड़ा आनंद आएगा। सुधा, मैंने कही थी ना बड़ा उत्सव ना करेंगे, फिर भी तुमने सभी को बुला लिया। सभी को कहा? केवल निकट के मित्र संबंधी और अपनी सहेलियों को ही तो बुलाओ है। केवल निकट संबंधियों को? ये तो पूरा का पूरा गांव आयो है। तनिक निकट से देखता हूँ, पता तो चले इस बालक में ऐसा विशेष क्या है जो इसके प्राण लेने के लिए मुझे आना पड़ा। इतनी भी शीघ्रता क्या है उत्कच? प्राण देने में भी धैर्य नहीं है।
मैंने पहले ही कहा था, शकट से तुम्हारा बहुत गहरा नाता जुड़ने वाला है। शकटासुर उत्कच। सुनो जी, उत्सव आरंभ होने को है, सब अतिथि आ गए। ये दोनों इतना सारा सामान लेके भीतर कहाँ चले आ रहे हैं? भोला बंसी, गाड़ी पीछे की ओर लेकर जाओ, अभी इनको उतारने का समय ना है। सुनो जी, तनिके से संभालो। तुम कहाँ जा रही हो? पंडित जी के आने के समय हो गए। रोहिणी जी को तो बुलाना हो। आई आज तुम्हारे छोटे भाई की जन्म नक्षत्र पूजा और उत्सव है, किंतु मुझे क्षमा करना पुत्र, चाहते हुए भी तुम्हें वहां नहीं ले जा सकती। अरे यशोदा, तुम, अरे तुम्हें आने की क्या आवश्यकता थी? मैं आ ही रही थी ना। चलो, पूजा का मुहूर्त बीता जा रहा है, चलो। कहाँ रह गई ये दोनों? तेरी मैया को क्या हो गया लल्ला? जाते समय तो इतनी उत्साहित थी और आते हुए मुंह इतना उतरा हुआ है जैसे किसी ने इसकी बछिया खोल दी। मैया बड़ी माँ के दुख से दुखी है बाबा। सब कुछ ठीक तो है? मन की इच्छा मैं बहुत अच्छी तरह समझ रहा हूँ बड़ी माँ। बस एक ही इच्छा है मन में कि मैं भी ये पूजा, ये उत्सव, ये सब कुछ अपने पुत्र के लिए कर पाती। आपका दुख मुझसे छुपाना है जीजी? मुझे लल्ला के सारे उत्सव मनाते देखकर आपको कैसा लग रहा होगा? मुझे आभास है। चिंतित ना हो मैया, आज का ये शुभ दिन बड़ी माँ की दुविधा का समाधान लेकर आएगा। पर उससे पहले इस अनचाहे अतिथि उत्कच को संभालने के लिए मुझे निद्रा देवी की सहायता की आवश्यकता पड़ेगी। जाइए निद्रा देवी, यही समय है आपको दिए हुए वचन को पूरा करने का। अब तुझे नींद आ रही है? कल रात को कही थी ना, अच्छे से विश्राम कर लल्ला। अच्छे तो सोगा? ऐसे तो सुलाने में इतनी उठा पटक करा तो है, अब देखो
नंदराज जी, रानी जी, पूजा की सारी तैयारियां हो गई है, अब विधि आरंभ कीजिए। पंडित जी, लल्ला बहुत गहरी नींद में सो गए हैं। जे पूजा में लल्ला की आवश्यकता नहीं है, बस आप दोनों हैं तो पूजा हो जाएगी। यशोदा, तुम लल्ला को उचित स्थान पर सुला दो, व्यर्थ ही यहाँ इसकी नींद टूटेगी। चल लल्ला, आजा। नाना इसे यहाँ ना सुला सकती, यहाँ तो जो अकेला पड़ जाएगा उस पर दृष्टि भी ना रख पाऊंगी। यहाँ सुलाया तो जे सारी की सारी आके इसके साथ खेलने लगेंगी, शांति से सो भी ना पाए कुछ। लो यहाँ तो जे सब हल्ला मचा रहे हैं। ये है मेरा घोड़ा और ये है मेरी गाड़ी और ये बैठा है हिरण। हाँ, वहाँ छाँव में सो जाएगा और मेरा पूजा में बैठकर सीधी दृष्टि भी रख पाऊंगी इस पर। लगा था बहुत श्रम करना पड़ेगा इस बालक तक पहुंचने के लिए, किंतु ये तो हिरण का वो शावक निकला जो अपना वध करवाने के लिए स्वयं ही सिंह के मात तक पहुंच गया है। उज्जवल, लल्ला पे दृष्टि रखेगो? हाँ रखूंगा ना ताई जी। खेल खेल में भूल तो ना जाएगो? ठीक है। ठीक है मतलब भूल जाएगो? ना ना, दृष्टि रखोगो। देखियो इसे कोई छेड़े ना, हाँ, और धूप लगे ना तो इधर उधर खसका के छाव में कर दियो, मेरा अच्छा बच्चा। और हाँ, खिसकाते समय ध्यान रखियो लल्ला मेरी दृष्टि के सामने ही रहे। आप चिंता मत ही करो ताई जी, बचपन से ही बच्चों को संभालना आ तो है मुझे। यशोदा, शीघ्र तो करो। शांति शांति। अब प्रथमेश भगवान श्री गणेश की पूजा करेंगे। भगवान श्री गणेश को गंध, हल्दी और धूप चढ़ाइए। परम धाम परम ब्रह्म परेशम परमेश्वरम विघ्न निघ्न करम शांतम पुष्टकांत। अब आप दोनों श्री हरि नारायण के ऊपर अक्षत की वर्षा कीजिए। लीजिए। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षा, मंगलाय तनो हरि। यशोदा, क्षमा करेगा पंडित जी। षोडशोपचार विधि संपन्न हुई। अब आप दोनों आंखें बंद करके प्रेम पूर्वक इष्ट देवता से लल्ला के स्वास्थ्य, हित और दीर्घायु के लिए प्रार्थना कीजिए।
परम धाम परम ब्रह्म परेशम परमेश्वरम विघ्न निघ्नकरम शांतम पुष्टकांतम अनंतकम सुरासुरेन्द्र सिद्धेन्द्र स्तुतमस्तौमि परात्परम सुरपति दिनेशम च गणेशम कलायनम इदं अरे ये नीलमणि के ऊपर तो धूप आ गई। ये नीलमणि पर किंतु ताई जी की बात भी माननी है, क्या करूं? उज्जवल भी ना एक कार्य ठीक से ना कर सकता, कहाँ है लल्ला? नारायणी नमोस्तुते। प्रार्थना संपन्न हुई। रानी जी कहाँ चली गई? वो रहो, उज्जवल तो पक्की छाव में करती हुए हैं। मैं व्यर्थ ही क्रोधित हो रही थी। यशोदा, पूजा का संकल्प लेने के पश्चात ऐसे ऐसे उठकर जानो ठीक ना है। यशोदा, स्मरण है ना जे जन नक्षत्र पूजा हम हमारे लल्ला के हित के लिए कर रहे हैं। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सहवीर्य करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम भद्रं कर्णेऽपि सूयामेव। अरे वाह, अब तो मेरा कार्य और भी आसान हो गया। इसी सकट के नीचे कुचल दूंगा इस दुष्ट शिशु को। महाराज कंस को उनके जीवन का सबसे शुभ समाचार दूंगा मैं। मेरी आशा है महाराज कि इस बार भी आपकी आशाओं पे कहीं हिमपात ना हो जाए। उत्कच, उत्कच अपना कार्य अवश्य करेगा अस्ति, बल्कि अब तक तो कर भी चुका होगा। बस अब कुछ ही क्षण में शुभ समय। लो, आ गया मेरा शुभ समाचार। शुभ समाचार की प्रतीक्षा कर रहे थे आप, पर आया कौन?
अपशगुन। देवकी, वसुदेव, तुम दोनों यहां कैसे? मथुरा नरेश, हम दोनों आपके पास एक विनती लेकर आए। जानते हो वसुदेव, मुझे आश्चर्य इस बात का नहीं कि तुम मेरे पास विनती लेकर आए हो। मुझे आश्चर्य इस बात का है कि तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि तुम्हारी विनती यहां स्वीकार करी जाएगी। मैं जानती हूं आपके हृदय के किसी कोने में हमारे बचपन की स्मृतियां अभी भी जीवित है। आपको स्मरण है मैं आपकी वही बहन हूं जिससे आप इतना प्रेम करते थे कि अपना सब कुछ। बस सीधा सीधा बोल, क्या चाहिए तुझे? अधिक कुछ नहीं महाराज, हम दोनों एक बार गर्ग ऋषि के दर्शन करना चाहते हैं। महल से बाहर जाना चाहते हैं ये महाराज, इन्हें इतनी छूट देने की आवश्यकता नहीं है। पर आपको ये सुनकर अच्छा नहीं लगेगा महाराज कि आपकी बहन और आपका बहनोई आपसे कुछ छुपा रहे हैं। मेरे दुखों का भार मेरे सहन शक्ति से अधिक हो गया था, इसलिए बहुत साहस बटोर कर आई हूं। अपनी छोटी बहन की इस छोटी सी विनती को अस्वीकार मत कीजिए भैया। थी, 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 थी। कैसा भाई हूं मैं? मेरी बहन और मेरा बहनोई सामने खड़े हैं और मैं एक अभिमानी सम्राट की तरह इस सिंहासन पर बैठा हूं। छी, नहीं नहीं, ऐसे हाथ जोड़कर मुझे लज्जित ना करें। अरे हाथ तो मुझे जोड़ने चाहिए आप दोनों के सामने। ए देवकी, क्या तेरा भाई इतना निर्दयी है क्या? अरे तेरी एक छोटी सी इच्छा भी स्वीकार नहीं करूंगा क्या? क्या चाहती है? गर्ग ऋषि के आश्रम जाना है तो जा। कुंवर जी, आप तनिक भी चिंता मत कीजिए। कंस अपने परिवार की इच्छा पूरी नहीं करेगा तो किसकी करेगा? आप बस यात्रा की तैयारी कीजिए, आपकी यात्रा का प्रबंध शीघ्र ही हो जाएगा। धन्यवाद मथुरा नरेश। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। ठहरिए, अरे आप दोनों को अकेले कैसे जाने दूं? चिंता रहती है मुझे, दसों दिशाओं में शत्रु हैं मेरे, कहीं कुछ अनहोनी घटित हो गई तो। कुंवर जी, आप एक काम कीजिए, आप दुर्जन को साथ ले जाइए। जो आ गया महाराज। आपने इन्हें जाने की आज्ञा क्यों दी स्वामी? मेरा सुझाव क्यों नहीं माना आपने? हर समय तुम्हारा सुझाव मानना आवश्यक नहीं है। जाल बिछा दिया है ये देखने के लिए कि ये दोनों मेरे विरुद्ध क्या षड्यंत्र रच रहे हैं। उतना और सूक्ष्म बुद्धि की तरह मैं तेरे जाल में नहीं फंसूंगा विष्णु अवतार। उन्होंने तेरे सामने आने की भूल की थी,
पर मैं तुझे दिखाई नहीं दूंगा, अदृश्य रूप में ही तेरा वध करूंगा। तेरी मां तुझे साधारण से धूप से बचाना चाहती थी, क्या दशा होगी उसकी जब मैं तुझे इस सकट के नीचे कुचल दूंगा। जाने ये पूजा कब समाप्त होगी, कहीं उड़ तो ना गया होगा मेरा लल्ला, मुझे उसे देखना है। पर जो पंडित जी हैं कि अब देख कैसे इस शकट के भार के नीचे दब जाता है तेरा कोमल तन। यशोदा, पूजा समाप्त होने वाली, आरती को समय हो रहा है। लल्ला सुरक्षित है, चिंता ना करो। कितना नन्हा सा है तू, फिर भी तूने महाराज कंस की रातों की नींद, सुख चैन सब छीन लिया। अब मैं तुझसे तेरे प्राण छीनूंगा, तैयार हो जा। ये क्या हो रहा है? कब इसके तन से विदा ले लेंगे से पता ही नहीं चलेगा। ताईजी, यशोदा ताईजी। निद्रा देवी, समय हो गया है। Shri Krishna Govinda Hare Hare।
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.